तुलसी हमारे शास्त्रों वस्त्रों में बहुत अच्छी बताई गई है। शास्त्रों में बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई है तुलसी के बारे में। तुलसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। घर में तुलसी का होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता है। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहती अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा, और अगर जो इंसान तुलसी को बहुत अच्छे से पूछता हो और उसकी पूजा बहुत अच्छे से करता हो, तो इसका मतलब हमारे घर में अब तुलसी का बहुत अच्छी चीज़ें करती है। तुलसी की पूजा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और तुलसी अगर प्रसन्न हो गई तो समझे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और तुलसी को हमेशा उसके पास ही पांच नकारात्मक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अगर रखोगे तो आपके लिए फिर ये बहुत ज़्यादा शुभ होगा, तो आपको नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। अगर तुलसी के पास अगर कूड़ेदान है तो वो बहुत गलत है। तुलसी भगवान का रूप होती है। अगर उसके पास आप कूड़ा रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा गलत हो सकता है। तो आप ये ना करें, बहुत नकारात्मक होगा। जूते चप्पल तुलसी के पास ना उतारे क्या आप भगवान के आगे उतारते हैं? नहीं ना। तो तुलसी भी आपके लिए भगवान समान है। वो बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी तुलसी के आगे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। तुलसी में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी में इसलिए शिवलिंग नहीं रखना चाहिए क्योंकि शिवलिंग को उसके साथ नहीं पूजा जाता कभी भी। और कभी भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। इनका पुराना कुछ है जिसकी वजह से वो नहीं रखे जाते, तो इसलिए कभी उनको साथ ना रखें। तुलसी से ना हमेशा दूर रखना। जो कांटेदार पौधे होते हैं ना, अगर वो तुमने अपने घर में उगा भी रखे हैं तो उसको हमेशा उसको दूर रखें तुलसी से। वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें और वो ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा फेंकना, तो इसलिए आपको नहीं रखना चाहिए ऐसे। कभी भी झाड़ू को तुलसी के पास ना रखें, क्योंकि लक्ष्मी दोनों के दोनों तुलसी और लक्ष्मी माता है झाड़ू, ये संकेत करती है। तो इसलिए कभी भी इनको साथ नहीं रखना चाहिए। ये इनका बहुत ही ज़्यादा अपमान होता है। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। तुलसी की कुछ ऐसी बात है जो आपको याद रखनी ही चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी नहीं ये गलतियाँ ना करना, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी गलतियाँ हैं।